जशपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक MBBS डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम के लिए मरीजों के परिजनों से 500 रुपए लिए जा रहे थे। इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों तक की गई है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पूरा मामला पत्थलगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत कुड़केल खजरी का है, जहां पर खेत में काम करने के दौरान एक युवक बेहोश हो गया था, जिसे आनंद फानंद में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों के मुताबिक अगले दिन की सुबह उनसे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर राजेंद्र निषाद और स्वीपर ने 1,000 रुपए की मांग की। मृतक के परिजनों ने उन दोनों को 500-500 रुपए दिए, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया और डॉक्टर राजन निषाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। फिलहाल इस मामले में दोषी पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। मेरा नाम थलूराम भगत जी है, ग्राम पंचायत कुड़केल खजरी के पारा बगीझरिया का हूँ। जो मेरा भाई का लड़का घास काट रहा था, तो बेहोशी हाल में उसको आनंद फानंद में पत्थलगांव हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ भर्ती करवाए। उसके बाद डॉक्टर चेक किया, उसके बाद में कुछ मिनट के बाद में उसको मृत घोषित कर दिया। और मैं डॉक्टर से सलाह मांगा कि पोस्टमार्टम करवाने से हमको सही तरीका से जानकारी मिल जाएगा। तो आज अंतिम समय था, आज नहीं होगा, कल सुबह होगा। तो हम लोग सुबह गए और पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वहाँ ले जाने के बाद निषाद डॉक्टर ने जो पैसा दोगे, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, पैसा दोगे। तो हमें भी लगा कि अच्छी जांच हो जाएगा, हम सोच करके असली जानकारी मिल जाएगा कह के हम लोग डिमांड किया। तो मैं 500 रुपया, 1,000 बोला था, 500 रुपया दिया निषाद डॉक्टर को और वो 73 को 500 दिया। और उसके बाद में मेरे को बाहर चले जाओ बोले। अब मैं बाहर आ गया और अपना सैंपल जो लेना था वो ले गए। उसके बाद में बाहर निकला, जाओ तुम मरीज को ले लेना। उसके बाद हम लोग मरीज को उठा करके घर आए। हम निषाद डॉक्टर के ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, हम वही न्याय चाहते हैं। ये संज्ञान में आया है, इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब प्राप्त होने के पश्चात में जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों के पास में प्रेषित किया जाएगा। बीच में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए उनको जो है लगाया गया था, क्योंकि ये चिकित्सा अधिकारी हैं, इसलिए उनको जो भी जांच में पाया जाएगा तो उसके लिए अग्रिम कार्रवाई तो जो है उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया।